हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका प्यार सा चैनल नौकरी अलर्ट पर। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन आया है आपके ऑयल इंडिया के तरफ से, उसके बारे में। ये आपके नोटिफिकेशन आया गया है आपका 1/7/2021 को आया था, और इसके बारे में हम लोग सब डिस्कस करेंगे कि ये अकाउंट से कहाँ के भर सकते हैं इसमें, और कितनी पोस्ट है, कब लास्ट डेट है, ये सभी हम लोग डिस्कस करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को प्रेस करेगा, ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ये नोटिफिकेशन आया आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से आया गया है, और ये आपका आया था 1/7/2021, मतलब 1 जून 2021 को आया है, जुलाई को। इसमें आपको यहाँ दिया गया है जो पोस्ट है इसके लिए, आपके पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट, और जूनियर असिस्टेंट आपके इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो है 10+2, और मिनिमम उनकी होनी चाहिए 40% 12th में। 40% से बिलो वाले अप्लाई नहीं कर सकते, 40% से ज्यादा ही होना पड़ेगा। और इसमें आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी कंपलसरी है, जो कि जिसको नॉलेज होना पड़ेगा एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट की, मिनिमम 6 मंथ्स का, 6 मंथ का कम से कम चाहिए इसमें आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट। और ये आपके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपके हैं 120, जिसमें आपके एससी के लिए है 8, एसटी के लिए 14, ओबीसी के लिए 32, ईडब्ल्यूएस के लिए है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए आपकी 7, 12, और आपकी अनरिजर्व के लिए है जनरल के लिए 54। इसमें आपका मिनिमम एज दिया गया है, जो कि आपके जनरल के लिए है 18 इयर्स टू 30 इयर्स, एसटी एससी के लिए 18 इयर्स टू 35 इयर्स, और आपके ओबीसी के लिए नॉन क्रिमिनल के लिए 18 इयर्स टू 33 इयर्स। फिर इसमें आपका किस चीज कौन से चैप्टर से कितने आएंगे उसके बारे में, इसमें आपका 20% 20 मार्क्स के आपके होंगे जनरल अवेयरनेस इंग्लिश, और आपके 20 मार्क्स होंगे रीजनिंग, और आपके न्यूमेरल एप्टीट्यूड मैथ्स जो की होगी आपकी, और इसमें से आपके कंप्यूटर नॉलेज होगी उसमें आपका 60% 60 मार्क्स की होगी ये। और ये आपके सीबीटी बेस्ड होगी, कंप्यूटर में होगी, जो कि आपकी इंग्लिश और एसएमएस दो में होगी, और इसके टोटल आपके आवर्स दिए गएंगे 2 आवर्स, 2 आवर्स आपको मिलेंगे मैक्सिमम। डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन सा लगेगा जब अप्लाई करने के समय, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड लगेगा, आपका एडमिट कार्ड लगेगा 12 का और 10 का, फिर आपके मार्कशीट लगेंगे 10+2 का, 12 की, डिप्लोमा सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप ओबीसी एसटी और एससी से बिलोंग करते हो तो, नॉन क्रिमिनल लॉयर अगर आप ओबीसी से करते हो तो, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए वीकर सेक्शन के लिए, और आपके डिजेबिलिटी अगर कुछ हो उसके सर्टिफिकेट भी लगेगी। साथ ही साथ आपको फोटोज अपलोड करना होगा और वैलिड एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। और इसको आपको अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल साइट विजिट करना होगा, जो कि है www.oilindia.com। ये साइट आप विजिट करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, जो कि अभी चालू हो चुका है, अभी सब रजिस्ट्रेशन कर सकते हो अभी से। इसको अप्लाई करने के लिए आपका लास्ट डेट जो दिया गया है वो है 15/8/2021, आपके 15 अगस्त लास्ट डेट दिया गया है 2021 इसको अप्लाई करने के लिए। और फॉर्म फिलअप के लिए आप ये भी ऑफिशियली साइट इससे क्लिक करके जा सकते हो। और आपको किस तरह अप्लाई करना है उसके लिए पहले आपको ऑफिशियली साइट विजिट करना होगा, उसके बाद वहां पे आपको ईमेल आईडी, यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, आप लोग जब लॉगिन करोगे उससे, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा जिसमें आपके फोटोज और सिग्नेचर लगेंगे। इसमें आपके एप्लीकेशन फीस जो है इसमें आपके 200 रुपीज है फॉर जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए, एसटी एससी के लिए फ्री है वो, जो कि रिफंडेबल नहीं होगी। तो ये कोई फ्रॉड नहीं है इसमें दिया गया है, और ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज ऑन।